एक कहानी जिसमें राजा है ना रानी, थोड़ी नई है थोड़ी पुरानी, धरती की कहानी भाई धरती की कहानी। सृष्टि के आरंभ से ही पृथ्वी का महत्व क्यों है? क्योंकि सिर्फ धरती ही ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा ग्रह है जो जीवन जीने के लिए हवा, पानी, भोजन समेत तमाम उपयोगी साधन उपलब्ध करवाती है। पर ये क्या, मानव ने जिसे अपनी माँ कहा उसे ही दूषित कर दिया। केमिकल का गंदा कचरा, गंदा पानी नदी के साफ पानी में मिल रहा है, ऐसे तो नदी दूषित हो जाएगी। रहा ना जल पीने लायक, वायु ना जीने लायक, भूमि भी हो गई है बंजर। कैसा है ये मंजर, कैसा है ये मंजर, पानी बिजली की बर्बादी, नित बढ़ती ये आबादी। कूड़ेदान बनी ये नदियाँ, कुलूषित हुई ये पुरवैयाँ, कुलूषित हुई ये पुरवैयाँ। माँ, माँ ही तो है हम सबकी रक्षक, हम इसके क्यों बन रहे हैं भक्षक? बनी रहे इसकी सुंदरता, ऐसा भी कुछ काम करो। आओ हम सब मिलकर इस धरती को स्वर्ग बना दे। प्राणों की रक्षा के खातिर याद रखें हर बार, बचाए पानी की जलधार, यही है जीवन का आधार। इसका दूसरा हल भी नहीं, इसके बिना तो कल भी नहीं। मैं तो तुम लोगों को देता ही देता हूँ, पर बदले में कुछ नहीं लेता हूँ। प्राण वायु देकर तुम पर कितना उपकार करता हूँ, फल फूल देकर तुम्हें भोजन देता हूँ, दूषित हवा लेकर स्वच्छ हवा देता हूँ, पर बदले में कुछ नहीं तुमसे लेता हूँ। ना काटो मुझे, ना काटो मुझे, यही मेरा दर्द है, यही मेरी गुहार है, यही मेरी पुकार है। हम रखेंगे साफ सफाई का ध्यान, तभी तो पूरा होगा स्वच्छता अभियान। स्वच्छता से बीमारी को भगाए दूर, होंगे हम स्वच्छ जरूर। प्रधानमंत्री जी का संकल्प पूरा करने की ली है ठान, बनेगा मेरा भारत महान। गांधी जी का सपना स्वच्छ भारत हो अपना। प्लास्टिक है देश के लिए घातक, यह है हमारे लिए विनाशक। प्लास्टिक का उपयोग ना कीजिए, प्लास्टिक प्रदूषण ना कीजिए। अब हमें कुछ ऐसा है करना, बिजली खर्च की आदत है बदलना। बिजली बचाओ देश बचाओ, देशभक्ति का दिया जलाएं, देश के लिए बिजली बचाएं। जाहिर है कि जब हमारी पृथ्वी संरक्षित होगी तभी हमारे जीवन में खुशहाली आएगी और हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। इसलिए धरती माँ की अहमियत को समझना हम सबका मूल कर्तव्य है, क्योंकि धरती पर रहकर ही हम सभी मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति आदि का कल्याण संभव है। Click on the subscribe button and press the bell icon to never miss any updates.